विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां लगातार अपने अपने प्रत्याशी उतारने में लगी हुई हैं। वहीं भाजपा सपा के बाद आज कांग्रेस पार्टी ने भी फिरोजाबाद सदर सीट से कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रहे संदीप तिवारी को चुनावी मैदान में उतार दिया है। वहीं संदीप तिवारी के चुनावी मैदान में उतरने के बाद सोशल मीडिया पर चर्चाएं तेज हो गई हैं। एवं कांग्रेस पार्टी ने ब्राह्मण के रूप में संदीप तिवारी को उतार कर ब्राह्मणों को एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी संदीप तिवारी ने प्रेस वार्ता के माध्यम से मीडिया से रूबरू हुए और क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। फिरोजाबाद से श्रीकंठ चित्तक। युवाओं को नौकरी, महिला सुरक्षा, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, जिस प्रकार माननीय प्रियंका गांधी जी ने कहा है कि यूपी में कांग्रेस की सरकार को 75 दक्षता विद्यालय वीरांगनाओं के नाम पर बनाएंगे हर जिले में एक एक। इसी प्रकार से जो महिलाएं जैसे आंगनबाड़ी है, आशा बहुएं हैं, उनके लिए 10,000 रुपये का ऐसा मानदेय रखा गया है। उसी प्रकार से विधवा और जो वृद्धा पेंशन है वो 1,000 रुपये रखी गई है। जो छात्राएं ट्वेल्थ कर लेंगी उनके लिए स्मार्टफोन, जो छात्राएं ग्रेजुएशन कर लेंगी उनके लिए स्कूटी, इलेक्ट्रिक स्कूटी रखी गई है। इसी प्रकार से जो लोग टेम्परेरी हैं एडोक बेसिस पे उनके लिए परमानेंट, ये जो आप बातें बता रहे हैं राष्ट्रीय स्तर की बता रहे हैं, नहीं राष्ट्रीय स्तर की नहीं है। एक मिनट जनपदीय स्तर की है। आपस में मिले हुए दोनों वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि साथ मुकाबला हम दोनों के बीच में, जबकि ये दोनों धरातल कहीं है ही नहीं, एक फेल हो चुके हैं ठीक। और वो उनके जो नेता है वो दरवाजे पहुंच रहे हैं। आप देखिएगा जिस प्रकार से बंगाल में हुआ था इनकी दाल निकलेगी, उसी प्रकार से यहाँ पर भी इनकी ये दाल निकलेगी। जनता समझ चुकी है, इनके झूलों को समझ चुकी है, इनके धोखों को समझ चुकी है। और उसी प्रकार से अभी पिछली साल इससे पहले जो सरकार थी उससे जैसे तैसे लोगों ने निजात पाई तो उनके भी ये गुरु निकल के आ गए। दोनों को सरकार जनता जो है नकार चुकी है पूरी तरह से। जनता किसी भी बहकावे में इस वक्त आने वाली नहीं है। जनता सिर्फ और सिर्फ विकास के मुद्दे पे देगी। जो लेबर क्लास जगह यहाँ पर सबसे पहले लेबर को तो आपने देखा है, यहाँ पर जितनी भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी आज वो उस लेवल को पार कर चुकी है। लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट तो पैसे वाला होता है यार, लेकिन जो श्रमिक है वो और ज्यादा दिन पे दिन गरीब होता जा रहा है। उनकी जो कॉलोनी है आप देखिए, उन पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। कोई रह रहा है साहब 10 फीट ऊंचे तो 10 फीट नीचे उसका मकान बना हुआ, उसकी चारपाई नीचे पड़ी हुई है, वो आज भी इलाज के लिए भटकता है। आप कितनी भी आयुष्मान योजना कितनी मिल रही है, लेकिन आप ये धरातल पे आए। जो कांग्रेस खाद्य सुरक्षा बिल लेके आई उससे जो आज लोगों को सहूलियत मिली कोरोना संक्रमण काल में, आप उसमें देखिए कितनी धांधेबाजी है। वो राशन की दुकानों पर बढ़ता हुआ मिलता है, बाजार में बढ़ता हुआ मिलता है। उन सबको रोकना, लोगों की जरूरतों को पूरा करना, विकास के मुद्दे पर कांग्रेस मैदान में जाएगी। युवाओं को नौकरी आप देखिए आज हमारा युवक इस तरह से भटकता फिर रहा है। उसके लिए जो भी पेपर वो देने जाता है, पेपर देने का प्रभाव पहुंचता पता चलता है पेपर लीक हो गया। इस सरकार ने किया क्या, सारे पेपर लीक इनके सारे पेपर साहब, सॉल्वर गैंग पकड़ा जा रहा है, ये पकड़ा रहा है क्या इनका कहीं पर। आप देखिएगा माननीय प्रियंका गांधी के जो भर्ती विधान उसमें क्या है, जितने भी छात्र जो एग्जाम देंगे उनके लिए निःशुल्क हुआ, कोई भी फीस नहीं लगेगी, कोई डीडी नहीं लगेगा, कोई आरटीजीएस नहीं होगा। पहली चीज उनका आने जाने का जो किराया होगा बस और ट्रेन का वो मुफ्त होगा टोटल। ये इस तरह की जो चीजें युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए जो दी जाएंगी, इससे विकास ही तो होगा और क्या होगा, आप ये बताइए।